2004 के अंदर हमारे को प्रोटेक्शन मिला था, और वो भी केंद्र ने नहीं दिया था, ना कोई कोर्ट ने, निचली कोर्ट ने दिया, वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से था। और सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी साक्षी थे और उनके वकील थे, उनको प्रोटेक्शन गार्ड दिए थे कि आपकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि हमने 2002 के बाद हमने ऐसी मांगनी करी थी 2003 के अंदर कि हमको खतरा लगता है, ये जुबानी देंगे इस तरह ये मामला, और गुजरात के अंदर बीजेपी सरकार है। 2002 के जितने भी दंगे हुए, तो जितने भी जो आरोपी थे, जिन पर आरोप था मुसलमानों के कत्लेआम का, आपका ये कहना है कि वो सभी जो है वो जमानत पर बाहर, जमानत पर सभी बाहर है। गुलबर्ग केस देख लो, नरोड़ा पाटिया देख लो, अभी नरोड़ा गांव का नया नया चुकादा आया था, निर्दोष जाहिर करे, तो आप सभी केसों में देख लो कि आप तो आरोपी अभी तक बेल पर ही है। गुलबर्ग के अंदर तो सारे ही आरोपी बेल पर है, कोई भी अंदर है नहीं। तो ऐसे में आपकी सिक्योरिटी जब वापस लेने का जो पत्र आपने बताया आया है, उसके लिए क्या कहें? हमको कोई ऐसी जानकारी ना सीपी में से आई, ना डीजी में से आई, ना कोर्ट में से आई, हमारा तो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म कराया, तो सुप्रीम कोर्ट में हम जब तक लिख कर नहीं देंगे या हमको जरूरत नहीं रहेगी, ऐसा खतरा नहीं लगेगा, तो हम बताएंगे कि हमको अब खतरा नहीं है। पर अभी तो हाईकोर्ट में हमारा चैलेंज चालू है, हाईकोर्ट में हमारी अर्जियां पेंडिंग है, हमारा केस पेंडिंग है, वहां के बाद सुप्रीम बाकी, अभी हाईकोर्ट का कोई चुकादा आया नहीं। अभी 2016 से हमारा केस चल रहा है, 2023 चल रहा है, 5-6 साल से तो हमारा केस हाईकोर्ट में पेंडिंग पड़ा है, तो वो आरोपी सब बाहर है, तो हमारी सुरक्षा का क्या, कोर्ट इसकी जवाबदारी है कि कल को अगर मुझको कुछ होगा तो इसका जवाबदार कौन, गुजरात सरकार है, केंद्र सरकार है, या सुप्रीम कोर्ट? कोई लेटर आया नहीं है, ना केंद्र में से कोई लेटर आया नहीं है, ना पुलिस कमिश्नर में से कोई, हमारे को फोन तक नहीं आया, सिर्फ हमारे कांस्टेबल का फोन आया कि हमको उठा लिया, उनको लेटर दिया, हमारे को कोई लेटर अभी तक आया नहीं। हमारे को तो आए दिन खतरा लगा ही रहता है कि सुरक्षा हट जाएगी तो आना जाना, कहीं अपने को जाना है, कौन सा आरोपी है, कहाँ घूम रहा है, कहाँ नहीं घूम रहा है, कौन प्लानिंग कर रहा है। और मैंने तो ज्यादातर बड़े बड़े अधिकारियों के नाम दिए, यहाँ तक कि मैंने मोदी तक का नाम दिया है, वड़ा प्रधान जो है आज, तो मेरी जान को तो ज्यादा खतरा आएगा। अब तो ये ज्यादा डर लगा रहेगा कि कौन आ रहा है, कौन पीछा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इसका जिम्मेदार कौन, अगर हमारे को कुछ होता है तो, या फिर हमको हमारे स्वयं हथियार दे दो, हमारा प्रोटेक्शन के लिए हम खुद प्रोटेक्शन कर लेंगे, हमारे को हमारा लाइसेंसधारी बंदूक का हथियार फारवानी कर दो, तो हमारे को पुलिस की जरूरत नहीं है। ये मेरी मांगेगी कि मेरे को मेरा, और जो जो साक्षी को लगता है कि वो हथियार ले सकता है तो उनको उनका लाइसेंस प्रोवाइड कर दो। बहुत सारों को दिया, आरएसएस बजरंग दल वालों को देखो आज भी प्रोटेक्शन दिया हुआ है, वो रईस खान जैसे उनको सीआईएसएफ दिए, रईस खान का क्या रोल है? आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, देश लाइव में आपका स्वागत है, मैं हूँ सहल कुरैशी। दोस्तों, 22 जनवरी को राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, उसके बाद कभी भी लोकसभा चुनाव का ऐलान कर दिया जाएगा। सरगर्मियां तेज हो चुकी है। इसी बीच ये सवाल उठते हैं कि हर बार जब भी कोई बड़े चुनाव होते हैं या गुजरात में चुनाव होते हैं, उसी वक्त 2002 का जिन निकलकर आखिरकार बाहर क्यों आ जाता है, या उस जिन को बाहर क्यों लाया जाता है, टाइमिंग पर सवाल उठाया जाना लाजमी है। एक खबर आई, और इस वक्त मेरे साथ में जो खड़े हैं वो इम्तियाज भाई हैं, सब लोग जानते हैं कि जो गुजरात दंगे हुए थे, गुलमर्ग सोसाइटी के अंदर ये गवाह थे, और मोदी के खिलाफ जिन्होंने गवाही दी थी उनमें से एक ये भी थे। हालांकि बाद में कई आरोप लगे कि सारे गवाह ये सब पलट गए थे, इस तरह के आरोप भी लगे थे। अचानक से एक परिपत्र इनके पास में इन्हें कहीं से मिला, और उस परिपत्र में ये लिखा गया है, जो अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर की तरफ से जारी किया गया है, उसमें लिखा गया है कि गुजरात 2002 के दंगों से जुड़े हुए जितने भी मामले चल रहे थे, उन मामलों के जितने भी वकील थे और जितने भी गवाह थे, जिनको पुलिस की सिक्योरिटी मिली हुई थी, उन सभी की सिक्योरिटी वापस ली जाती है। अचानक से ये बातें कहां से आई? बिल्किस बानू का मामला सबको पता है, बिल्किस बानू के जिन्होंने उनका बलात्कार किया, जिन्होंने उनके परिवार के लोगों की हत्या की, केस साबित हुआ, उन्हें सजा हुई, और उसके बावजूद भी वो जमानत पर बाहर आ गए, और उसके बाद में उनमें से कई लोग बिल्किस बानू के गवाहों को धमकाते हुए नजर आए। पुलिस का प्रोटेक्शन जिन लोगों को मिला हुआ था, जो गवाह थे, जो वकील थे, अब
पुलिस कमिश्नर का पत्र आया कि इन तमाम की सिक्योरिटी वापस ली जाती है। इम्तियाज से हम बात करेंगे कि आखिरकार क्या है मामला, और सिक्योरिटी अगर वापस ली जाती है जो परिपत्र आया है तो क्या क्या इन्हें लगता है, क्या खतरा है या क्या फायदा है, उसके लिए हम बात करेंगे इम्तियाज से। इम्तियाज भाई, जिस तरीके से दो पत्र आए, पहला एक पत्र ये है कि 13 दिसंबर को सचिवालय से, गुजरात सेक्रेटरी से, गुजरात सरकार की तरफ से, SIT की तरफ से पुलिस कमिश्नर को या DGP को एक पत्र जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि भाई 2002 के दंगे से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनकी समीक्षा की जाए, उनकी सिक्योरिटी की और उनकी सुरक्षा वापस ली जाए। उसके बाद 26 दिसंबर 2023 को दूसरा पत्र एक आया जिसमें पुलिस कमिश्नर ने यह कहा है कि भाई जिन जिन को जो सिक्योरिटी मिली थी वो तमाम सिक्योरिटी वापस ली जाती है। क्या कहेंगे आप? मैं तो ये कहूँगा उसके अंदर कि हम जब 2002 का दंगा हुआ उसमें हम लोग मेन साक्षी हूँ मैं, और मैंने काफ़ी सारे एक्यूज़ों के नाम दिए थे, 24 एक्यूज़ के नाम दिए थे, और उसके बावजूद भी मैंने जो अभी तत्काल के वड़ा प्रधान है नरेंद्र मोदी उन तक का भी मैंने नाम दिया था, और को पुलिस कमिश्नर है, PIA, SP है, फिर DCP है, सबके नाम वगैरह दिए थे। उसमें हमको 2004 के अंदर हमारे को प्रोटेक्शन मिला था, और वो भी केंद्र ने नहीं दिया था, ना कोई कोर्ट ने, निचली कोर्ट ने दिया, वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से था, और सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी साक्षी थे और उनके वकील थे उनको प्रोटेक्शन गार्ड दिए थे कि आपकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि हमने 2002 के बाद हमने ऐसी मांगनी करी थी 2003 के अंदर कि हमको खतरा लगता है, ये जुबानी देंगे इस तरह ये मामला, और गुजरात के अंदर BJP सरकार है, कंटिन्यू अभी तक भी BJP सरकार है, केंद्र में भी है, वो मनमानी सरकार चला रहेंगे, हमको ना आज तक कोई उन्होंने नोटिस भेजा। हाँ, पिछले 4-4, 6-6 महीने में हमारे पास वो DCP साहब जो डिवीजन में हम रहे, जैसे मैं गोमतीपुर रहा था तो गोमतीपुर के अंदर Zone 5 के अंदर DCP साहब बुलाते थे, SP साहब बुलाते थे और पूछ परछ करते थे कि क्या है भाई, आपको डर लगता है, ये लगता है। तो अभी मैं उनसे वही टाइम पे वही कहता था कि हाई कोर्ट ने, जब निचली कोर्ट ने 2016 में आरोपियों को सजा दी, सजा देने के बाद में जब हम लोग ने चैलेंज पे गए कि 64 आरोपी थे उसमें से 24 जन को सजा हुई, तो 24 में से जो बाकी रह गए थे जिसने 64 में से, तो उनको भी सजा दो, और इनको अमुक लोगों को आजीवन दी, अमुक लोगों को 7 साल की दी, तो हमने चैलेंज किया हाईकोर्ट के अंदर, और हाईकोर्ट के चैलेंज के बाद हमने और ज़्यादा उनके ऊपर एक्शन लेने की बात करी, तो वहाँ तक हाईकोर्ट के ने फिर उनको 6-6 महीने के अंदर सब भी जो आरोपी थे सबको बेल प्रोवाइड कर दिया, आज वो बेल पर बाहर है। तो ये कि गोधरा कांड जो हुआ या 2002 के जितने भी दंगे हुए, तो जितने भी जो आरोपी थे जिन पर आरोप था मुसलमानों के कत्लेआम का, आपका ये कहना है कि वो सभी जो है वो जमानत पर बाहर, जमानत पे सभी बाहर है। गुलबर्ग केस देख लो, नरोड़ा पाटिया देख लो, अभी नरोड़ा गांव का नया चुकादा आया था निर्दोष जाहिर करे, तो आप सभी केसों में देख लो कि आप तो आरोपी अभी तक बेल पर ही है। गुलबर्ग के अंदर तो सारे ही आरोपी बेल पर है, कोई भी अंदर है नहीं। तो ऐसे में आपकी सिक्योरिटी जब वापस लेने का जो पत्र आपने बताया आया है उसके लिए क्या कहेंगे? वो पत्र हमारे पास भी नहीं आया है, ना हमारे को कोई जानकारी दी है। जो हमारा प्रोटेक्शन वाला जो इन्होंने फारवर्णी करी थी, एक एक महीने में जो बदलाता था, जो प्रोटेक्शन आता था, वो प्रोटेक्शन वाले का फोन आया, पुलिस वाला हाँ प्रोटेक्शन वाले का फोन आया कि भाई तुम्हारी सिक्योरिटी आज से हट गई, परत तो मेरे को ऐसा लगा कि महीना हो गया बदली है, तो मिला बदली आई, तो बोले बदली नहीं है, बदली आई नहीं है, बोले आपकी सुरक्षा हटा दी गई है। तो मिला हमको कोई ऐसी जानकारी ना CP में से आई, ना DG में से आई, ना कोर्ट में से आई, हमारा तो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म कराया, तो सुप्रीम कोर्ट में हम जब तक लिख कर नहीं देंगे या हमको जरूरत नहीं रहेगी, ऐसा खतरा नहीं लगेगा, तो हम बताएंगे कि हमको अब खतरा नहीं है। पर अभी तो हाईकोर्ट में हमारा चैलेंज चालू है, हाईकोर्ट में हमारी अर्जियां पेंडिंग है, हमारा केस पेंडिंग है, वहां के पास सुप्रीम बाकी, अभी हाईकोर्ट का कोई चुकादा आया नहीं, अभी 2016 से हमारा केस चल रहा है, 2023 चल रहा है, 5-6 साल से तो हमारा केस हाईकोर्ट में पेंडिंग पड़ा है, तो वो आरोपी सब बाहर है, तो हमारी सुरक्षा का इसका जिम्मा कौन सा केस अभी पेंडिंग पड़ा है आपका हाईकोर्ट में? गुलबर्ग का जो मेन केस जिसपे जो आरोपियों को सजा हुई थी, निचली कोर्ट ने जो सजा सुनाई थी कि 24 जनों में से 11 को आजीवन, 12 लोगों को आजीवन, 11 लोगों को 7 साल की और एक को 10 साल की सजा, तो हमने चैलेंज किया कि सबको फांसी दो या उम्र कैद करो, तो वो चैलेंज अभी बाकी है, वो पेंडिंग बाकी है, हमारा केस बाकी है। और मैं ये आपकी मीडिया से, ये माध्यम से ये कहना चाहता हूँ
कि हमारी सुरक्षा का क्या, कोर्ट इसकी जवाबदारी की, कल को अगर मुझको कुछ होगा तो इसका जवाबदार कौन, गुजरात सरकार है, केंद्र सरकार है या सुप्रीम कोर्ट है? सुप्रीम कोर्ट का तो कोई ऐसा आया नहीं है, कोई लेटर आया नहीं है, ना केंद्र में से कोई लेटर आया नहीं है, ना पुलिस कमिश्नर में से कोई, हमारे को फोन तक नहीं आया, सिर्फ हमारे कॉन्स्टेबल का फोन आया कि हमको उठा लिया, उनको लेटर दिया, हमारे को कोई लेटर अभी तक आया नहीं है। तो जितने भी साक्षी है, जो मेन गवाह है, जैसे कि गुलबर्ग के अंदर मेरा नाम आता है इम्तियाज खान, फिर अभी जो शायरा बहन है, सलीम भाई है, रूपा बहन है, फिरोज गुलजार है, टोटल जो मेन साक्षी है, जैसे वटवा के अंदर है, सबकी सुरक्षा, हाँ, टोटल सुरक्षा हटा ली। जैसे कि वकील थे, उनमें वो लेटर में ऐसा भी लिखा है कि वकील और शाहिद प्रोटेक्शन के बाबत में, तो उनके सबके भी हटा दिए। तो इम्तियाज, एक जिस तरीके से एक मूवी आई थी कश्मीर फाइल्स, जब वो मूवी आई तो हमने देखा कि कई जगहों पे, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, कई अलग अलग जगहों पे, मुझे नाम भी याद नहीं है, कश्मीरी लड़कों पर हमले हुए थे इस फिल्म के आने के बाद। अब खबर आ रही है कि बहुत जल्दी गोधरा नाम की कोई फिल्म आने वाली है। हाँ, गोधरा की कोई फिल्म, तो माहौल खराब हो, और ऐसे में आपको लगता है कि कुछ खतरा आपको होगा? हाँ, कुछ खतरा तो क्या, हमारे को तो आए दिन खतरा लगा ही रहता है कि सुरक्षा हट जाने, सुरक्षा हट जाने पर तो ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि सुरक्षा हट जाएगी तो आना जाना, कहीं अपने को जाना है, कौन सा आरोपी है, कहाँ घूम रहा है, कहाँ नहीं घूम रहा है, कौन प्लानिंग कर रहा है। और मैंने तो ज्यादातर बड़े बड़े अधिकारियों के नाम दिए, यहाँ तक कि मैंने मोदी तक का नाम दिया है, वड़ा प्रधान जो है आज, तो मेरी जान को तो ज्यादा खतरा आएगा, क्योंकि मेरे पास प्रोटेक्शन नहीं रहेगा तो मेरी सुरक्षा का और क्या? ऐसे में जो आरोपी है वो सबके सब बाहर है, तो इसका आपका ही कहना है कि उसको ऐसे आपको ज्यादा समय से भी जो आरोपी है मेन, जिसका नाम मैंने लिया था अतुल इंद्रवेदन वेद, वो शाहीबाग के अंदर उसकी कोई सोसाइटी में कोई दलित छोकरा गया होगा कुछ काम से, वो रोड से गुजर रहा होगा तो पानी पीने गया कि क्या मालूम, तो उसको वो लोगों ने सोसाइटी पे बहुत मारा और मार मार के उसको, वो छोकरा अठवाड़ी के अंदर मर गया था, तो उसका भी उसमें नाम आया था, उसके बावजूद भी उसको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये जो अतुल वेद है, भरत तेली है, ये अतुल वेद जो है ये है जो वो टाइम के अंदर आरएसएस में था, अभी भी आरएसएस में, और ये मेन आदमी था, और ये मोदी साहब के साथ में इसके फोटो है। हो सकता है लोकसभा का चुनाव भी लड़ ले, ये चुनाव तो? चुनाव नहीं लड़ रहा है, बाकी ये पूरी अक्खा जो है, शाहीबाग है, चमनपुरा है, मेघानी नगर है, इसका वो मेन प्रभारी है, वो वीएचपी बजरंग दल का वो मेन आदमी है। तो अतुल वेद से, अतुल वेद है, भरत तेली है, नारायण है, जिन्हें आपका ये कहना है कि जो लोग ऐसे हैं, आरोपी रहे हैं, वो जब बाहर आए तो बाहर आने के जमानत पर या छूटकर आने के बाद भी उन्होंने इस तरह की कुछ हरकतें की है कि जिसको लेकर आपको खतरा। और आज भी हमारे मकान देख लो आप, बंद पड़े गुलबर्ग सोसाइटी में, बंद पड़े, हमारे को आना जाना रहता है, तो वहां पर हम जाएंगे तो हमारी सुरक्षा का क्या, और यहां पर भी हम घूमेंगे, कहीं भी घूमेंगे, अब तो ये ज्यादा डर लगा रहेगा कि कौन आ रहा है, कौन पीछा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इसका जिम्मेदार कौन, अगर हमारे को कुछ होता है तो गुजरात सरकार जिम्मेदार है या पुलिस जिम्मेदार है या कोर्ट जिम्मेदार है। तो आपको इस बात को लेकर के आपके वकीलों से कुछ बातचीत हुई है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के कहने से आपको ये सिक्योरिटी सुरक्षा मिली थी, तो आपको क्या आपके वकीलों से बात हुई है कि दोबारा इस मामले को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट जाएं, अपील करें? अभी हमारे वकीलों से अब कल लगभग बात होगी इंशाल्लाह, कल बात करके अभी जितने भी साक्षी हैं, जो मेन साक्षी है, तो वो चर्चा करके कि आगे जो कार्रवाई किस तरह करनी है, सुप्रीम कोर्ट में अगर लेटर डालना है तो किस तरह जाना आएगा, तो सुप्रीम कोर्ट में डालेंगे कि भाई हमको कोई ऐसा इन्होंने अर्जी दी नहीं, ना कुछ दिया, या फिर हमको हमारे स्वयं हथियार दे दो, हमारा प्रोटेक्शन के लिए हम खुद प्रोटेक्शन कर लेंगे, हमारे को हमारा लाइसेंसदारी बंदूक का हथियार फारवानी कर दो, तो हमारे को पुलिस की जरूरत नहीं। ये मेरी मांगेगी कि मेरे को मेरा, और जो साक्षी को लगता है कि वो हथियार ले सकता है तो उनको उनका लाइसेंस प्रोवाइड कर दो। हम हथियार का एक भय होता है, देखो आज कोई भी चीज है, आज मेरे पास अगर लाइसेंस वाला हथियार पुलिस वाला है, हथियारधारी पुलिस वाला है, तो आज जो भी आदमी, भले उसके अंदर वो बुलेट नहीं है, अंदर बाजू में रखी है उसके, पर वो हथियार है, उसका डर है। आप जो बता रहे हैं कि हथियार का डर है। हाँ, आप ही के मामले में पहुंचता हूं मैं वापस। ये कहा गया कि गुलमर्ग सोसाइटी में जब मामला हुआ था ये जी, उस वक्त एहसान जाफरी ने भी शायद फायरिंग किया था, हथियार था उनके पास, लेकिन फिर कोई काम नहीं आया वो हथियार, तो हथियार वो काम कब नहीं आया कि वो इतना बड़ा मजमा था, इतना बड़ा जो मोब था, करीबन 50-60 हजार का मोब था, तो उसमें वो एक बंदूक जो थी वो कैसे काम में आती, एक चीज थी उनकी, बंदूक एक ही थी उनके, वो भी लाइसेंस वाली। आपके खिलाफ कोई साक्षी, अकेला कोई साक्षी, अगर कोई अकेला आएगा या दुकेला आएगा, तीन लोग आएंगे ऐसा उनका प्लानिंग होगा, तो अगर वो मेरे पास आने से, एक तो पुलिस वाला होता है मेरे साथ में, गार्ड होता है,
तो उसके हाथ में हथियार है, तो वो एक बार आने से 10 बार सोचेगा कि नहीं साला हथियार वाला पुलिस वाला है। अगर मान लो हथियार वाला पुलिस वाला नहीं, मेरे पास कोई हथियार है, तो सामने वाले को ये दिमाग में रहेगा कि नहीं उसके पास जाने से वो फायरिंग कर सकता है, उसके पास हथियार है, वो डर। ये तो संवैधानिक अधिकार भी आपको है, सौ बचाव में कर सकते हैं। तो मेरे पास वो किसी को मार डालने के लिए हथियार नहीं होता है, वो खाली एक डर होता है कि दूर से आदमी देख के उसको डरता है। हाँ, जब है। जब इसराइल इतना बड़ा अपने सौ बचाव में मासूमों का कत्ल हत्या कर सकता है, तो आप तो हथियारों को तो आप अपना बयान। हाँ, तो मैं उसके लिए, मैं अपने लिए तो मैं मांग सकता हूँ, तो या तो हमको हमारा लाइसेंस वाला हथियार दे दो, या फिर हमारे को जो प्रोटेक्शन चालू है, जिस तरह से रनिंग जो चल रहा था शायदों के ऊपर, जैसे लेडीज है और जेंट्स थे, बुढ़े आदमी अभी भी जो बुजुर्ग हो गए, 20-22 साल हो गए, उसका कोई चुकादा नहीं आया, हाई कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है मामला, अभी हाई कोर्ट क्या जवाब देता है, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे क्या, तो अभी पिछले 5 साल तो यूं ही निकल जाने वाले। दूसरा इम्तियाज ये समझ में नहीं आता, मैंने आपका पहले भी एक इंटरव्यू किया था, उस वक्त भी शायद गुजरात इलेक्शन का वक्त था या पता नहीं सा कुछ था, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि जब चुनाव होते हैं, चुनाव सर पर होते हैं, जैसा मैंने बताया 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उसके बाद लोकसभा चुनावी मोड शुरू हो जाएगा, और फिर इस तरह की चीजें आना सरकार के सामने से, सरकार की तरफ से, तो आपको क्या लगता है जानबूझ के इस तरह की चीजें टाइमिंग पर आपको सवाल लगता है कुछ? हाँ, मेरे को तो इस तरह लगता है कि ये टाइमिंग जो इन्होंने सेट करके रखा है मुख्य चीजों का, कि ये टाइम पे ये चीजें करने की, ताकि क्या है कि पब्लिक के अंदर वो रहे कि देखो 2002 का वापस मामला हुआ, ये सारी चीजें आई, और इसका मामला ऐसा रहा कि 2002 में जो हुआ था तो देखो हमने उनकी सुरक्षा हटा ली, अब वो उनके ऊपर है, और ये देखो हम तो हमारी मर्जी चला रहे, ना महंगाई का कोई मुद्दा है, ना कोई यही मुद्दा आ जाए, बस वो हिंदू मुसलमान का मुद्दा है, इनके पास और कोई मुद्दे रहे नहीं है। अभी 2024 इलेक्शन लगभग, मुझे ऐसा लगता है, मेरे दिमाग से मैं ऐसा सोचता हूँ कि इनको टफ लग रहा है, वो मामला जो टफ लग रहा है, फिलहाल ही आप देख लो कि विदेशों के अंदर, जैसे सिंगापुर ने हमने कई मीडियाओं में देखा पड़ा कि भाई धीरे धीरे कोरोना हो रहा है, धीरे धीरे कोरोना हो रहा है, तो अभी ये कार्निवल जो फंक्शन था वो इन्होंने कैंसिल कर दिया, महाकुंभ खेल चालू करने के थे वो सब इनको पोस्टपोन कर दिया है धीरे धीरे, तो यानी कि ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो इंडिया जो गठबंधन बना है, जो इंडिया गठबंधन हुआ है, उसके तहत ये लोग काफी प्रेशर में, दबाव में है, तो इसलिए हिंदू मुस्लिम इनका मेन एजेंडा है। देखो बाबरी मस्जिद से लेके उसके पहले से लेके, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कांग्रेस ने ये मुद्दा उछाला था सबसे पहले, उसके बाद दूसरा ये बाबरी का उछला, तो इन्होंने एक वो हथियार बना लिया, और हिंदू मुस्लिम बाकी ना कोई रोजगारी का मामला कर रहे, ना कोई एजुकेशन की बात कर रहे, ना गरीबों के लिए कुछ कर रहे, कोई प्लानिंग नहीं है, बस इस तरीके का करके कि हम किस तरह में 2024 पे सत्ता में आ जाए। तो ये मामला, ये जीन जो पैदा हो जाता है हर वक्त इलेक्शन के टाइम पे, जैसे कि आपने पहले भी अपने ने इंटरव्यू किया था, जो बीबीसी का डॉक्यूमेंट्री था बहुत काफी जबरदस्त हुआ था, तो मोदी जो क्वेश्चन के नाम से उन्होंने वो इंडिया ने पूरे में बैन कर दिया था इन लोगों ने, फिर भी उन लोगों ने बाहर प्रसारित किया था, और यहाँ तो उसके तहत भी मुझे बहुत काफी प्रॉब्लम आई थी, जो एसओजी ने मुझे काफी बुलाया था कि भले तुम उन्हें पैसा लिया है, बीबीसी वालों ने तुमको पैसा दिया है, ये सब बोलने का, तो मैंने जो ऑफिसर थे जिन्होंने मुझे बुलाया था उनको मैंने यही जवाब दिया कि भाई मेरे ऊपर बीती हुई है, मैं विक्टिम आदमी हूँ, मैं कोई सिखाया इंसान नहीं हूँ, मुझे कोई सिखा नहीं सकता है, जो आप बीती है वो ही बयान करता हूँ, उसके तहत मैं कहाँ गलत बयान करता हूँ, उसके तहत अगर गलत बयान करता हूँ तो मेरे को आप अरेस्ट कर सकते होगे, मेरे पे आप मुकदमा जाहिर करो, मेरे को आप अरेस्ट करो, मैं उसके तहत ही बोलता हूँ, और मैं मीडिया में बोलूंगा, आज नहीं 10 बार बोलूंगा, वो मीडिया में बोलना कोई गुनाह के अंदर आता नहीं है, मीडिया में कुछ भी अपने बोल सकते हैं, बाकी कायदे के अंदर मैं बोलता हूँ, कायदे के बाहर जाकर के नहीं बोलता हूँ, मुझे पता है कि संविधान का कायदा क्या है, किस तरह बोलना है, किस तरह नहीं बोलना है, तो खुद इतने केस वैसे करके अब तो खुद ये समझ लो वकील की सारी नॉलेज, वकील की इतना के क्योंकि 2002 से लेकर के 2023 हो गए, और यहाँ तक के मैंने 21 साल हो गए, और इसके तहत मैं 10 साल तो काफी वकीलों के साथ बैठा हूँ सुप्रीम कोर्ट में, बड़े बड़े वकीलों के साथ में, जैसे कि सॉलिसिटर जनरल रह चुके हरीश सालवे साहब थे, फिर ये प्रशांत भूषण साहब है, फिर बड़े बड़े मीडिया के जो जर्नलिस्ट थे, जैसे कि तेलका कांड इन्होंने, तेलका.com जिन्होंने बनाया था, जो तो उनका नाम मेरे को आशीष केतान साहब है, फिर रविश कुमार जैसे, विक्रम चंद्रा है, बरोबर, फिर ऐसे बड़े बड़े
फिर उनके साथ मेरा जो रापता हुआ है और बड़े बड़े वकीलों के साथ मेरा रापता हुआ है, नीचे के यहाँ के हाई कोर्ट के देख लो तो यहाँ पर भी मैं ज्यादातर मेरे 8-10 साल उसके अंदर ही निकले, तो वो क्या है पूरा नॉलेज आ गया कि किस तरह क्या बोलना, कायदे के अंदर किस तरह बात करनी, तो वो हिसाब से मैं वो कायदे के रह करके बात करता हूँ। बाकी मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने अचानक हमको कोई लेटर नहीं दिया, ना कोई जानकारी दी, ना कुछ हमारे को बुलाया, ये ना डीसीपी ने बुलाया, ना एसपी ने बुलाया, ना सीपी साहब ने हमको बुलाया कि भाई इस तरह से हम आपका प्रोटेक्शन परत ले रहे हैं। यहाँ से ये आया है कि केंद्र में से आया है कि स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है, केंद्र में से कोई परिपत्र आया है, ऐसा कुछ हमको बताया नहीं कि कल 26 तारीख को रातों रात इन्होंने शाम के 5 बजे पूरा प्रोटेक्शन, जितने भी साक्षी थे, जितने भी आई विटनेस थे, वकील थे, उनका एक साथ में इन्होंने उठा। अभी आने फिलहाल आपके पास है पुलिस वाले? कुछ पुलिस वाला नहीं है, देख लो अभी आपके साथ आया हूँ इंटरव्यू देने, तो कोई मेरे साथ नहीं है, नहीं तो मेरे साथ सुबह 10 बजे आ जाते और 10 बजे के बाद में मेरे साथ में रहते, और वो एक ही आदमी मेरे को फारम नहीं करा था, जैसे तो 24 कलाक का होता है प्रोटेक्शन, फिर उसमें भी वो सुबह 10 बजे आवे, रात को 8 बजे चले जाओ, 8 बजे बाद तो मेरा ही ख्याल करना पड़े, मेरी फिक्र में करना पड़े कि 24 कलाक, मैं भी समझता हूँ कि एक पुलिसकर्मी है, वो भी बी बच्चे वाला है, वो एक आदमी 24 कलाक कैसे करेगा नौकरी, वो खाएगा कब, सोएगा कब, उसकी जगह पे किसी और को नाइट में भेज सकते थे, 3 आदमी रख सकते थे, 2 आदमी पर नहीं, ये शुरुआत से इन्होंने इस तरह करा, अमुक साक्षियों को 2-2 गार्ड दिए थे, किसी को 3, कंगना राणावत जैसे पता नहीं किन को Z+ जिनको बहुत सारों को दिया, RSS बजरंग दल वालों को देखो आज भी प्रोटेक्शन दिया हुआ है, वो रईस खान जैसे उनको CISF दिए, रईस खान का क्या रोल है, रईस खान तो ऊपर से उसने केस खराब किया है, गुलबर्ग केस खराब, नरोड़ा पाटिया केस खराब किया, रईस खान जैसे को CISF दिया है और हमारे को यहाँ के पुलिस गार्ड दिए थे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आपका। ओके, थैंक यू। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।